हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर जो कि है स्टैक। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में हम स्टैक्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक सबसे पहले क्या है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये क्या होल्ड करता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो थे या तो था अरे, एक हमने पढ़ा है अरे लिस्ट और एक हमने पढ़ा है स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले अरे क्या था? अरे था कि ये कलेक्शन एलिमेंट्स को स्टोर करता था कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पे, और ये होता था फिक्स्ड साइज का, कि हमने जितना जितना भी अरे जितने साइज का पहले डिक्लेयर कर दिया तो हम उतने ही एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अरे लिस्ट। अरे लिस्ट क्या था? एक डायनेमिक अरे। ठीक है, इसमें क्या था, हम अरे लिस्ट को पहले डिक्लेयर कर देते थे ऑफ साइज 0, फिर हम जैसे जैसे इसमें एलिमेंट्स ऐड करते थे इसका साइज इंक्रीज होता जाता था। ठीक है, तो ये क्या थी? अरे लिस्ट। नेक्स्ट क्या था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी सेम होता है अरे जैसे, लेकिन अरे जो है ये एलिमेंट्स होल्ड करता है, स्ट्रिंग जो है ये करेक्टर्स को होल्ड करता है। ठीक है, ठीक है, तो अरे में क्या था? अरे में हम किसी भी प्लेस पे एलिमेंट ऐड कर सकते थे, कितने? बिग ऑफ वन में। ठीक है, हमने क्या करा, हमने लिखा अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या हो जाता था? थर्ड एलिमेंट स्टोर हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम डिलीट भी इसमें कोई भी एलिमेंट कर सकते थे। ठीक है, हमने लिख दिया अरे ऑफ 1 3 था, तो हमने लिख दिया अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। ये क्या होता था? 3 को ओवरराइट करके अरे ऑफ 1 पे क्या स्टोर हो जाता था? 4। ठीक है, नेक्स्ट हम अरे में कोई भी एलिमेंट कभी भी फाइंड भी कर सकते थे इस अरे को पूरा ट्रेवर्स करके। ठीक है, अब स्टैक क्या है? स्टैक भी एक अरे लिस्ट की तरह ही है। ठीक है, तो स्टैक भी क्या है? एक अरे लिस्ट की तरह ही है, लेकिन स्टैक में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी अरे लिस्ट से थोड़ी कम है। ठीक है, तो स्टैक में भी क्या है? हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, एड एन एलिमेंट, हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट एन एलिमेंट, हम एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, गेट एन एलिमेंट। ठीक है, तो अरे लिस्ट में क्या था? हम अपना एलिमेंट किसी भी प्लेस पे ऐड कर सकते थे। ठीक है, हमने अरे लिस्ट ली तो हम किसी भी प्लेस पे अपना एलिमेंट ऐड कर सकते थे, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ कर दिया। डिलीट में भी क्या था? हम किसी भी प्लेस से अपना एलिमेंट डिलीट कर देते थे। ठीक है, यहाँ जैसे 5 है या 1 0 2, ठीक है, तो हमने 1 डिलीट करना है, हम इसको आराम से डिलीट कर सकते थे। गेट गेट भी हमने हमने अरे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को अगर वो करना है, गेट करना है, तो हम किसी भी इंडेक्स से उस एलिमेंट को गेट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अरे लिस्ट में क्या है? अरे में स्टैक में क्या है? स्टैक में है कि हम जो एलिमेंट है वो हमेशा लास्ट में ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक स्टैक लिया, उसमें ऐड कर दिया 2, अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है 3, तो हम 3 को यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते, हमें 3 को लास्ट में ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऐड करना है 4, तो 4 को भी हम यहाँ यहाँ नहीं ऐड कर सकते ना यहाँ, तो हम 4 को हमें यहीं ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। ऐसे हमने ऐड करना है 5, 5 को भी ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट को बस लास्ट में ही ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट एन एलिमेंट, सेम फॉर द केस ऑफ डिलीशन। तो हम अगर हमने इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हमें पहले लास्ट एलिमेंट ही डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर हमने 3 डिलीट करना है तो हम सीधा 3 को नहीं डिलीट कर सकते, हमें पहले 5 को डिलीट करना पड़ेगा, 4 को डिलीट करना पड़ेगा, तब भी हम 3 को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही गेट का केस है कि हमने एलिमेंट को अगर गेट करना है, ये हमारा स्टैक है, तो ये हमें लास्ट एलिमेंट ही गेट करके देगा, हम इसके किसी और एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, हम बस लास्ट एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन तो तीनों फंक्शंस बिग ओ वन में करेगा, लेकिन ये बस लास्ट एलिमेंट को ही लास्ट में ही ऐड करेगा, लास्ट में ही डिलीट करेगा और लास्ट एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है,
है, तो ये किस किस फंक्शनैलिटी पे काम करता है? लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें हम लास्ट में जो एलिमेंट ऐड करेंगे, हमने ऐड करा 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब हमने लास्ट में ऐड करा 40, तो हम लास्ट वाले एलिमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ है वही फर्स्ट में फर्स्ट होगा बाहर निकलने के लिए। 40 को बाहर कर दिया, तो उससे पहले कौन सा ऐड हुआ था? 30, तो हम 30 को डिलीट कर सकते हैं। उससे पहले 20 हुआ था, हम 20 को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द लास्ट एलिमेंट टू बी एडेड इन दिस स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड आउट और टू बी गेट। ठीक है, तो ये कैसे फंक्शन करता है? जैसे कि मान लीजिए कोई बुक्स का हमने कलेक्शन रखी है। ठीक है, एक बुक पढ़ी है, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमने अगर ये वाली बुक हमें चाहिए, तो हमें पहले लास्ट में जो बुक हमने सबसे ऊपर रखी है, हमें यही वाली बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी हम ये वाली बुक ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली बुक हमने बाहर निकाली, फिर ये निकाली, फिर ये, तो फिर हमें ये वाली बुक मिलेगी। ठीक है, कि लास्ट में जो बुक हमने शेल्फ पे रखी है, कलेक्शन के ऊपर रखी है, वही सबसे पहले बाहर निकलेगी। ऐसे स्टैक में है कि लास्ट में हमने जो एलिमेंट अपने स्टैक में ऐड करवाया है, हम वही वाला एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं कि हम किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और साइज चेक कर सकते हैं अरे का, स्टैक का। ठीक है, साइज ऑफ स्टैक। ठीक है, और इसमें एक फंक्शन हो जाता है कि हमने चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें पढ़ेंगे कि इस स्टैक को हम पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टैक पाइथन में हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई स्टैक का मॉड्यूल नहीं है स्टैक को इंप्लीमेंट करने का, तो हम इसको तीन वे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले है बाय यूजिंग लिस्ट, सेकंड है बाय यूजिंग लीफो क्यूब, थर्ड है बाय यूजिंग क्यूब। ठीक है, डी क्यू। ठीक है, तो हम इन तीनों की मदद से स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पाइथन में। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है लिस्ट, लिस्ट। अब पाइथन में हम किसी लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? बाय यूजिंग दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी स्टैक के नेम से। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसमें ऐड करवाना है एलिमेंट, एडिशन। तो हमें पता है कि हम स्टैक में अपने एलिमेंट को लास्ट से ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में ही ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट में अगर हमने किसी एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना होता है, तो हमारे पास फंक्शन है अपेंड। ठीक है, अपेंड क्या करता है? किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लिस्ट का नाम डॉट अपेंड फंक्शन, और हम लिख देंगे कि जो भी एलिमेंट हमने अपेंड करना है अपने स्टैक में ऐड करना। स्टैक में एडिशन, एडिंग ऑफ एन एलिमेंट को बोलते हैं पुश। ठीक है, अगर हम स्टैक की लैंग्वेज में बात करें तो इसको बोलते हैं पुश। तो अगर हमने स्टैक में अपना एलिमेंट पुश करना है, तो हम लिस्ट में फंक्शन यूज करते हैं अपेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिलीशन। नाउ लिस्ट में अगर हमने किसी फंक्शन को डिली किसी एलिमेंट को डिलीट करना है लास्ट से, तो हमारे पास फंक्शन है पॉप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिस्ट का नाम स्टैक डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिस्ट में हमने लास्ट जो एलिमेंट अपेंड करा होगा, जो हमने ऐड करा होगा, उसको क्या कर देगा, डिलीट। ठीक है, तो स्टैक में भी अगर हमने किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उस फंक्शन को बोलते हैं पॉप। ठीक है, तो एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गेट। ठीक है, गेट।
अब लिस्ट हमारे पास होती है कुछ इस तरह, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हमने कोई एलिमेंट अपेंड करा तो वो कहाँ ऐड हो जाएगा, लास्ट में जाके, ठीक है। अगर हमने पॉप करा तो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा पॉप, ठीक है। अब हमें स्टैक में हमें पता है कि अगर हम गेट फंक्शन कॉल करते हैं तो वो हमें लास्ट एलिमेंट जो हमने ऐड करवाया वो हमें रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। अब हमने इसमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब अगर हम ऐसे इंडेक्सिंग लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो हमें तो पता नहीं है कि हमने कितने एलिमेंट्स अपेंड करा दिए हैं, ठीक है। तो हम एक तो हो गया कि हमने साइज फाइंड करके, लिस्ट का साइज फाइंड करके लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करा, लेकिन एक हो गया हमारे पास दूसरा मेथड है कि हमने क्या करा, इसकी इंडेक्सिंग नेगेटिव से स्टार्ट करी, ठीक है। अब लिस्ट की इंडेक्सिंग अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होती है -1 से, ठीक है। तो हमने अगर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है स्टैक में, अगर हमने गेट करना है एलिमेंट, तो हम लिस्ट की मदद से कैसे करेंगे, स्टैक का नाम, नेम, लिस्ट का नेम और -1। तो ये क्या करेगा, ये हमें लास्ट एलिमेंट जो है वो ला के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने लिस्ट का साइज फाइंड करना है, ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट का साइज फाइंड करने के लिए फंक्शन होता है लेंथ, लेंथ ब्रैकेट में लिस्ट का नेम। अब हम लिस्ट का नेम क्या ले रहे हैं स्टैक, तो हम क्या लिख देंगे, लेंथ स्टैक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें लिस्ट का हमारे स्टैक का साइज ला के दे देगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम करेंगे पाइथन, ठीक है। तो हमने एक लिस्ट ले ली स्टैक, ये क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट, हमने अब हमारे पास जो स्टैक है हमारा वो 0 साइज का, अभी उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमने जब एलिमेंट एंटर करवाना है तो वो कहाँ एंटर होना चाहिए, लास्ट में, क्योंकि स्टैक का फंक्शन क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि एलिमेंट जो है वो हमेशा लास्ट में ही ऐड होंगे, ठीक है। तो लिस्ट में इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है अपेंड, ठीक है। तो हमने अपेंड करा दिया से 10, ठीक है। फिर हमने अपेंड करा दिया 20, फिर हमने अपेंड करा दिया 30, अपेंड 30, ठीक है। इधर एक हम और अपेंड करा लेते हैं 40, ठीक है। तो हम प्रिंट करा लेते हैं। अब स्टैक में वैसे तो हम अपने उसको सभी एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर हमें एक्सेस करना है तो हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं इसका साइज, ठीक है। साइज के लिए मैंने कौन सा फंक्शन अभी बताया, लेंथ ऑफ स्टैक, ठीक है। एक यहाँ प्रिंट करा लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो पहले हमारे पास हमारे स्टैक का साइज क्या था, 0, फिर क्या हो गया 4, ठीक है। अब हमने लास्ट में क्या एंटर करवाया है, 40। अब स्टैक की क्या फंक्शनैलिटी है कि हमने जो लास्ट में एलिमेंट एंटर करवाया है, अब अगर हम डिलीट करेंगे कोई एलिमेंट तो हम वही एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 में से कोई और एलिमेंट नहीं डिलीट कर सकते, सिर्फ हम 40 ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर डिलीट कर दिया, डिलीशन के लिए फंक्शन हमने डिस्कस करा है पॉप, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ प्रिंट करा लेते हैं स्टैक, लेंथ ऑफ स्टैक, ठीक है। ये तो हम यहाँ प्रिंट कराते हैं कि हमने को हमारा कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, ठीक है। प्रिंट करा लेते हैं ये, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या डिलीट हुआ, 40, ठीक है। तो इसके बाद हमारे स्टैक का साइज क्या रह गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 40 जो था वो डिलीट हो गया, हमारे स्टैक का साइज क्या रह गया, 3। पहले 4 था, हमने कॉल किया फंक्शन स्टैक डॉट पॉप, तो लास्ट एलिमेंट हमने जो ऐड करवाया था 40, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, हमारे स्टैक का साइज क्या रह गया, 3। अगर हम इसको दोबारा कॉल करेंगे तो अब मेरे को बताइए कि कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, थर्टी, क्योंकि हमने 40 के बाद कौन सा एलिमेंट पुश करवाया था, ऐड करवाया था 30, तो 30 क्या हो जाएगा, डिलीट। अब स्टैक का साइज क्या रह गया होगा, 2, ठीक है। अब अगर हमने
टॉप का एलिमेंट गेट करना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे स्टैक में टॉप पे क्या पड़ा है, कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड कौन सा होगा, ठीक है। तो हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे, स्टैक ऑफ -1 से, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, 40 डिलीट हो गया, स्टैक का साइज रह गया 30, नेक्स्ट हो गया 30 डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट हमने करा कि हमारे स्टैक में अब टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो वो हमारे पास आ गया 20, ठीक है। तो ये हम हमारे तीनों फंक्शंस जो मेन फंक्शन स्टैक के हैं, एडिंग, डिलीशन और एक्सेस, ठीक है। तो हमने ऐड कहाँ करना है, लास्ट में, डिलीट भी कहाँ कर सकते हैं, लास्ट से, ठीक है। और जो हम एक्सेस कर सकते हैं वो भी लास्ट एलिमेंट को ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि हमने लिस्ट की हेल्प से अपने स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी क्यू, कि डी क्यू के हेल्प से हम अपने स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन डी क्यू में भी दो फंक्शन हैं, अपेंड और पॉप, ठीक है। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, हमारे नए एलिमेंट को लास्ट में जाके ऐड कर देगा, और पॉप फंक्शन क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड करा है उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें कलेक्शन मॉड्यूल से डी क्यू मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आई थिंक कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम ले लेंगे एक स्टैक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने इसके में कोई एलिमेंट ऐड कराना है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे अपेंड, टेन 20 30, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट में जाके ऐड होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने डिलीट करवाना है, तो हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं टैग डॉट पॉप, और प्रिंट करा लेते हैं टैग डॉट पॉप, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ये कलेक्शन कैसे छूट रही है, मॉल आएगा, ठीक है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले ऐड करा दिया अपना 10, ठीक है। डी क्यू लिए 10 ऐड कराया, 20 ऐड कराया, 30 ऐड कराया। अब जब हमने पॉप कराया, तो लास्ट में हमने क्या ऐड करा था, 30, तो 30 क्या हो गया, डिलीट। नेक्स्ट हमने अगेन पॉप कराया, तो उसके बाद क्या था, 20, तो 20 क्या हो गया, डिलीट, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये और लिस्ट तो सेम है, ठीक है, उसमें भी अपेंड था, इसमें भी अपेंड है, उसमें भी पॉप था, इसमें भी पॉप है, ठीक है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट स्टोर करती है, डेटा स्टोर करती है, और जो ये डी क्यू है ये यूज करती है एक डबली लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या है, उसमें जो डेटा है वो कहीं भी जाके स्टोर हो जाता है, और हर नोड पे डेटा स्टोर होता है, और इससे नेक्स्ट जो नोड पड़ी है उसका एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे स्टोर हो गया 2K, तो 2K पे क्या पड़ा होगा, नेक्स्ट नोड। इस पे हो गया 3K, तो 3K पे क्या पड़ी होगी, नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो ये यूज करता है एक डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये यूज करता है, ये क्या करता है, लिस्ट क्या करती है, ये एलिमेंट स्टोर करती है कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पे। इसमें इसमें क्या अफेक्टिव ऑपरेशन होता है, कि अगर हमने कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम सिंपली इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग नहीं यूज कर सकते, इसमें एक्सेस एलिमेंट को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसमें अपेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि अगर हमने जैसे ये ब्लॉक फुल हो गया, ठीक है, 40, 50, 60, अब अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक न्यू ब्लॉक लेके आएगा इतने ही डबल साइज का, ठीक है। तो उसमें ये सारे पहले ऐड करवाएगा, ठीक है, ये न्यू ब्लॉक लेके आएगा, उसमें ये सारे पहले ऐड कराएगा, फिर उसमें न्यू एलिमेंट ऐड करेगा, ठीक है। इसमें ये डायनेमिक होती है, आप एलिमेंट ऐड करते जाओ, इसने न्यू पॉइंटर्स बनाते जाना है, ठीक है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप लिस्ट यूज कर लो, चाहे आप डी क्यू यूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेथड है हमारे पास, वो है लिफो क्यू, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं,
पहला जो है हमारे पास वो होता है पुट, एक फंक्शन होता है हमारे पास गेट। पुट क्या करेगा, हमारे एलिमेंट्स को ऐड कराता जाएगा लास्ट में। गेट क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड करवाया उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। क्यू मॉड्यूल से हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा लीफो क्यू। ठीक है, हमने क्या लिया, एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया स्टैक लीफो क्यू का। हमने स्टैक में ऐड करा 10, 20, अभी आप स्टैक, ये नहीं है कि हमेशा इंटीजर्स का ही बनाना है, आप कैरेक्टर्स डबल किसी भी डेटा टाइप का स्टैक बना सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, 30 फिर हमने प्रिंट करा दिया। तो डिलीट करा देते हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, क्या करा इसने, फिर वही ऐड कर दिया 10, फिर बाद में 20, बाद में 30, फिर हमने गेट करा तो इसने 30 को डिलीट कर दिया, फिर इसने 20 को डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर हम दोबारा गेट करेंगे तो ये 10 को डिलीट कर देगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से भी हम अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक और फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं एम्प्टी। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं, नहीं है। ठीक है, फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे स्टैक में 30 डिलीट हुआ, 20 डिलीट हुआ, अभी 10 तो पड़ा है। ठीक है, अगर हम 10 को भी डिलीट करा के इसको प्रिंट करें, ठीक है, तो क्या हुआ, 30 डिलीट हुआ, 20 डिलीट हुआ, 10 डिलीट हुआ, हमने एम्प्टी फंक्शन कॉल करा, उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। इसका मतलब जो हमारा स्टैक है वो क्या हो चुका है, एम्प्टी। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं जिससे कि आप स्टैक को यूजिंग पाइथन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से हैं, बाय यूजिंग लिस्ट, बाय यूजिंग लीफो क्यू, बाय यूजिंग डी क्यू। ठीक है, इन दोनों में फंक्शन सेम है, बस ये है कि ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी पे लोकेशन, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर करता है, ये जो है ये डबली लिंक लिस्ट यूज करता है। और लीफो क्यू में भी दो फंक्शन सेम है, पुट और गेट। ठीक है, क्या करेंगे, ये लास्ट में एलिमेंट ऐड कराएंगे, और जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड कराया होगा उसी को हम स्टैक में डिलीट कर सकते हैं, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट एलिमेंट जो हमने ऐड कराया है वही हम इसमें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी कि हम स्टैक होता क्या है। ठीक है, और इसमें इसको हम पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट की ये डेटा स्ट्रक्चर बना ही क्यों, इसकी यूसेज क्या है, और हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाके समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस देखें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।